नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, गठिया जोड़ों में होने वाली एक तकलीफ है जिसका सही समय पर उपचार बेहद आवश्यक है। गठिया के उपचार के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उसकी पहचान कर लें। इसलिए जब भी आपको जोड़ों में तकलीफ महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह से गठिया का पता लगाएं और उसके बाद ही उसके उपचार की ओर ध्यान दें। बहुत से लोगों को जैसे ही मालूम होता है कि उन्हें गठिया है तो वो जीने की उम्मीद ही खो देते हैं। लेकिन जिस तरह हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, उसी तरह गठिया का भी मुकाबला करके सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और दर्द को कम भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं गठिया की तकलीफ को कम करने के कुछ आसान से तरीके। अगर आप जोड़ों या जोड़ों के आसपास दर्द, अकड़ाहट या सूजन महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बजाय खुद ये तय करके बैठने के कि आपको गठिया है। जब एक बार डॉक्टर ये तय कर देते हैं कि आपको गठिया है तो उससे उसका प्रकार मालूम हो सकता है, क्योंकि गठिया कई किस्म का होता है और हर एक का अलग अलग तरह से उपचार किया जाता है। सही डायग्नोसिस से ही सही उपचार हो सकता है। सही डायग्नोसिस जल्द हो जाए तो अच्छा है। जल्द उपचार से फायदा ये होता है कि नुकसान और दर्द कम होता है। उपचार में दवाइयाँ, वजन प्रबंधन, कसरत, गर्म या ठंडे का प्रयोग और जोड़ों को आंतरिक नुकसान से बचाने के तरीके शामिल होते हैं। जोड़ों पर दबाव डालने से बचें। ऐसी मशीनें भी उपलब्ध हैं जिससे रोजमर्रा का काम करना आसान हो जाता है। जितना वजन बताया गया है उतना ही बरकरार रखें। ऐसा करने से कूल्हों व घुटनों पर नुकसान देने वाला दबाव कम पड़ता है। कसरत करें। कसरत करने से दर्द कम हो जाता है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, थकान कम होती है और आप पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। गठिया के लिए मजबूती प्रदान करने वाली भी कई कसरतें हैं। अपने डॉक्टर या फिटनेस विशेषज्ञ से उसके बारे में मालूम करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से जोड़ व मांसपेशियां लचीली रहती हैं। इससे तनाव कम होता है और रोजाना की गतिविधियां जारी रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज या खिंचाव वाली एक्सरसाइज जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो हमारी बताई हुई इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें और सबसे पहले जाकर किसी डॉक्टर से मिलें और अपनी पूरी तरह से जांच करवाएं। हेल्प सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जरूर करें।